पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विधानसभा इटवा जनपद सिद्धार्थ नगर माता प्रसाद पांडे का 99 वर्ष के लिए आवंटित मकान प्रशासन द्वारा खाली कराया जा रहा है। माता प्रसाद पांडे का आरोप है कि उनका मकान 99 वर्ष से पहले ही खाली कराया जा रहा है। तो कहना है कि शासन द्वारा गलत तरीके से इनका नाम निरस्त कराया गया, सरकार के दबाव पे प्रशासन द्वारा जबरदस्ती मकान को खाली कराया जा रहा है। कितने साल के लिए पट्टा आपको मिला था और इस पर किस तरह की कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा की जा रही है? देखिए, यह आवास का पट्टा हमारे लिए जिला पंचायत की बस्ती जब थी और ये जिला एक था तो वर्ष 1978 में जिला पंचायत ने आवंटित किया। ये कोई वर्ष का नहीं होता है, एक बार आवंटन हो जाता है तो वो अनिश्चित काल तक चलता है जब तक कि उसमें कोई विशेष व्यवधान न हो। तो उसी के तहत 1978 से वह इसमें रह रहा है। वास्तव में 1977 में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी यहाँ मैंने कराई तो जिला पंचायत की ये सारे अस्पताल और ये जमीन जिला पंचायत की थी, उसमें ये एक छोटा सा पहले कंपाउंडर का घर था, उसी को जिला पंचायत जामंगला बनाकर अपना इसका अधिकार जमाती थी। लेकिन ये पूरी ज़मीन फिर ये 1980-81-82 में ट्रांसफ़र कर दी गई स्वास्थ्य विभाग, उसी में ये मेरा आवंटित वो कमरा भी था, क्योंकि वो मुझे आवंटित था। मैं जैसे किराया देकर बराबर चला आया तो उसमें मैं रहता चला आया था। तो ये मूल रूपेण ये न तो जिला पंचायत का रहा न स्वास्थ्य विभाग। बाद में ये जब गिर गया तो हम इससे अलग करके इसको जिला पंचायत के माध्यम से हमारे मिनिस्टर थे, मैं स्पीकर था, उसे रुपया दिला करके इसको मैंने बनवाया और फिर मैं इसमें रहने लगा। तो जो आवंटन था वही आवंटन हमारा लगातार चलता रहा और उसमें मैं पैसा हर महीने जमा करता रहा। इधर 2009 में एक बार फिर से स्थानीय सांसद भी थे, वो प्रयास किए कि इसे खाली कराया जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। अब भी जब चुनाव हुआ मैं हारा तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र एक मैं जब वहाँ था तो एक पंचायत समिति बना दी थी विधानसभा की, समिति के माध्यम से पंचायतों का मामला देखा जाता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक ही उसके मेंबर बन गए, तो इन्होंने हमारे क्षेत्र के तमाम प्रधानों का, हमारे इस घर का तमाम जांच का मामला उठाया। इस पर बार बार तारीख पड़ती रही और तारीख के बाद तमाम लोगों को जो अधिकारी थे जिला पंचायत के उनको तलब किया जाता रहा, उनसे पूछा जाता रहा ये क्यों नहीं खाली करा पा रहे हो। तो उन्होंने कहा साहब ये उनके नाम आवंटित है और बहुत पहले से आवंटित है, कैसे इसे कहीं हम। तो उन्होंने कहा फाइल लाओ, तो उसमें जो पत्रावली थी वो पत्रावली इनके पास थी, तो उसमें वो प्रस्ताव ढूंढ रहे थे कि किस प्रस्ताव से आवंटन हुआ था। आवंटन का तो पक्ष है, वो प्रस्ताव कह रहे थे मेरे पास नहीं है। तो इस पर उन्होंने बहुत क्वेरी किया कमेटी में, हर 15-20 जब भी हो समय बहुत बार बैठके हुई और उसमें जो इसके सदस्य हमारे क्षेत्रीय विधायक थे बार बार इस प्रश्न को उठाते थे।